हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं जो आपकी परमानेंट वैकेंसी है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स के बीटेक डिप्लोमा बीएससी के कैंडिडेट जो है एलिजिबल है, तो इसके रिगार्डिंग जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसी का नाम है NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो जमशेदपुर में वैकेंसी आ रखी है, जहाँ पे जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन सुपरिटेंडेंट टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। हमने जो है अपने चैनल में बहुत सारी NIT के रिगार्डिंग जो है वीडियो बनाया है, जहाँ पे अभी जो है हम डिस्कस करेंगे जमशेदपुर के बारे में। इससे पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा हमारा, तो वो जलंधर की वैकेंसी थी। देन यहाँ पे MNIT मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अलाहाबाद या अभी प्रयागराज यूपी में पड़ता है, उसकी वैकेंसी बता रखी थी। तो वहाँ पे भी सेम पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रखी थी। तो आप जो है, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं इन दोनों के, तो आप जो है देख सकते हैं, चैनल में अपलोड है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं इनकी लास्ट डेट खत्म होने से पहले। आज जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जमशेदपुर में आई हुई जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन सुपरिटेंडेंट की आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर जो है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर की। तो ये जो है इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है, IIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर का ये एडवर्टीजमेंट नंबर है जहाँ पे ये रिक्रूटमेंट आ रखा है। तो यहाँ पे जो है ग्रुप वाइज डिवाइड कर रखा है। ग्रुप ए की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रुप ए में जो है एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो ग्रुप बी और सी है उसमें जो है फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए। तो सुपरिटेंडेंट पोस्ट के बारे में बात किया जाए, तो यहाँ पे BE BTEC के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। MCA के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 5 यहाँ पे सीट है, 4 जनरल की, 1 जो है OBC की यहाँ पे सीट है। देन सैलरी की बात किया जाए, तो यहाँ पे बेसिक जो रखा गया है ये प्री रिवाइज सैलरी है 35,400। देन यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है आपका, ₹1,000 जो है एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है जनरल्स OBC कैंडिडेट के लिए। देन अगली जो पोस्ट है हमारे पास टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर की है। तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। अगर टेक्निकल असिस्टेंट की बात किया जाए, तो टेक्निकल असिस्टेंट जो है उसमें सिविल के कैंडिडेट, मेटलर्जी के कैंडिडेट, इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक के, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के, कंप्यूटर एप्लीकेशन के, मैकेनिकल के, प्रोडक्शन के, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इसमें जो है BSc वाले कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इसकी टोटल 22 रखी गई है, जहाँ पे 11 सीट जो है जनरल्स के लिए, 5 सीट जो है OBC के लिए, 2 सीट जो है EWS एंड 3 सीट जो है SC के लिए, 1 सीट जो है ST कैंडिडेट के लिए रखा गया। यहाँ पे भी सैलरी जो है सेम रखा गया, एप्लीकेशन फ़ी भी यहाँ पे सेम रखा गया है। तो जो टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर पोस्ट है, अगर उसकी मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए डिप्लोमा के साथ साथ अगर आपने BE BTEC कर रखा है या फिर BE BTEC है सिर्फ आपके पास, तो भी जो है आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें जो है आपका एज लिमिट 30 साल रखी गई है, और यहाँ पे जो है BE BTEC जो मैंने अभी आपको ब्रांच बताया वो ब्रांच, और साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए और लिखा हुआ है, चाहे डिप्लोमा हो चाहे BE BTEC हो, आप जो है दोनों कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, एक कैंडिडेट जो है नंबर ऑफ मतलब मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो जो है सेपरेट फॉर्म फिलअप करेगा, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको भरना पड़ेगा। देन जूनियर इंजीनियर की बात की जाए, तो देखिए जूनियर इंजीनियर के लिए भी सेम यहाँ पे 30 साल रखा गया है, और यहाँ पे भी BE BTEC और डिप्लोमा, चाहे कोई से भी कैंडिडेट हो, चाहे वो डिप्लोमा के हो चाहे BE BTEC के हो, दोनों कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल सिविल एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन के लिए। तो देखिए सीनियर टेक्नीशियन में जो एज लिमिट रखा गया है आपका 33 साल रखा गया है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे BE BTEC से लेके, डिप्लोमा से लेके, ITI कैंडिडेट से लेके 12th के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन मैंने अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, वो ब्रांच जो है यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपने 12th पास है, साइंस से 60% है, तो भी जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है जो इसेंशियल आपको रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सारे कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। तो देखिए टेक्नीशियन पोस्ट के लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन इनका ग्रेड पे जो है अलग है। 27 साल जो है यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन रखा गया है, चाहे वो डिप्लोमा के हो कैंडिडेट, चाहे वो 12th पास के कैंडिडेट हो, या फिर सिंपल पास कैंडिडेट हो, या ITI कर रखा हो, या फिर वो जो है BE BTEC के कैंडिडेट हैं, तो जो है फॉर्म को
फिलअप कर सकते हैं। ब्रांच मैंने आपको दिखा दिया कौन कौन सी ब्रांच जो यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितना इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। तो यहाँ पे 500 एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है जूनियर और सीनियर टेक्नीशियन के लिए। ब्रांच जो है ये सारी ब्रांच एलिजिबल है, सिविल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैकेनिकल प्रोडक्शन, देन यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री जो 12th में रिक्वायरमेंट है वो आपको ये कैंडिडेट जो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। 21 जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ पे ये इसका सैलरी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो रखा गया आपका 12th पास रखा गया किसी भी डिसिप्लिन से, साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर में 35 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में टाइपिंग या फिर 30 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी में टाइपिंग आना जरूरी है। यहाँ पे जो 500 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी है, यहाँ पे 9 जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है। अब हम बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी तो मैंने आपको बता दिया। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा और यहाँ से जो है आपको फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा और इसके बाद जो है आप उसका जो रिसिप्ट है वो ले लेंगे और फॉर्म को फिलअप करेंगे। फॉर्म को कैसे फ़िलअप करना है वो आपको ऑनलाइन फ़िलअप करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। देन इसको जो है आपको सेंड करना है। तो सेंड कहाँ पे करना है, विद द स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट से जो है आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर झारखंड इंडिया में जो है यहाँ पे भेजना है और ये जो है आपका 15 अक्टूबर से पहले जो है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो पहुँचने के लिए आप इनवलप में सबसे पहले लिखोगे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो और जो एड्रेस मैंने अभी बताया उस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है विद अटैच डॉक्यूमेंट्स। अब दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी कोई सी भी NIT ने इसका सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं बता रखा है, तो आने वाले दिनों में जो है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, जैसा कि इसमें सिर्फ ये मेंशन है कि आपका इंटरव्यू के बेसिस पे या फिर रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे जो है सिलेक्शन होगा। तो रिटर्न टेस्ट का स्कीम इन्होंने नहीं बता रखा है कि किस प्रकार का जो है यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होगा। लेकिन अगर मैं टेक्निकल वालों की बात करूँ तो टेक्निकल के मोस्टली जो क्वेश्चन हैं इसमें 75% जो है टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल फील्ड में और 25% जो क्वेश्चन हैं वो आपके नॉन टेक से पूछे जाते हैं। तो चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जनरल अवेयरनेस हो, उससे क्वेश्चन जो है आपके 25% बनते हैं। जो नॉन टेक्निकल वाली पोस्ट है जैसे जूनियर असिस्टेंट, उसमें जो है पूरा जो है आपका 100% जो है आपका नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, जिसमें आपके रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थी NIT रिक्रूटमेंट के बारे में, जो आपका परमानेंट जॉब है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं। ये जमशेदपुर की वैकेंसी थी जहाँ पे जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आ रखी थी। और इसी तरह हमने अपने चैनल में और भी वीडियोस डाल रखे हैं, जैसे कि अगर बात किया जलंधर और NIT की, तो इन दोनों की वीडियो जो है अपलोड है चैनल में, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इनकी लास्ट डेट खत्म होने से पहले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने अपने चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और फॉर्म को फिलअप कर लें। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।